मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं धूल भरी आंधी के साथ चलना शुरू हो गई है। नोएडा में इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से धूल भरी आंधी चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिस तरह से पेड़ हिल रहे हैं आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा का रुख कितना तेज़ है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा के कई जिलों और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की आंधी आ सकती है, जिसको लेकर राज्य सरकारों ने हरियाणा ने 2 दिन के लिए अपने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर रखा है। गाज़ियाबाद प्रशासन ने अपने स्कूल में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है और कहीं ना कहीं एहतियातन के तौर पर जो लोग हैं, आम जनता है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपको ज़रूरी काम ना हो तो घर से ना निकलें, बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें, इसके लिए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि इस तरह की धूल भरी आंधी 7 और 8 तारीख को चल सकती है और उसी के नतीजन आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंधी, धूल भरी आंधी चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये हवा का जो रुख है, हवा की जो गति है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको लेकर कई तरह का जान मान का नुकसान हो सकता है। तमाम तरह की हिदायतें दे रखी है जिला प्रशासन द्वारा, राज्यों ने अपने अधीन आने वाले पुलिस को हिदायतें दे रखी है कि किसी भी तरह की आपदा के लिए निपटने के लिए तैयार रहे। आपदा प्रबंधन जो है वो पूरी तरह से, उसका कहना है कि वो पूरी तरह से किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हाई आंधी की बात की जा रही थी वो चलना शुरू हो गई है। नोएडा का ये नज़ारा है, किस तरह से पेड़ हिल रहे हैं, आंधी, तेज़ हवा आ रही है, आंधी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ इस तरह के अलर्ट की घोषणा की गई थी, उन राज्यों का कहना है कि उन्होंने पहले से ही सारी तैयारियाँ कर ली है। आपदा प्रबंधन के मुताबिक उनकी तैयारियां पूरी है। जिला पुलिस का कहना है कि उनकी जो जवान हैं पुलिस के, वो अलर्ट पर हैं और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन योगी के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ नोएडा।